पंजाब वजारत दे विच कैबिनेट मंत्री बन के शामिल हुए फौजा सिंह सरारी वालों अज अपने चार्ज नूं संभालिया गया। इस मौके ते उन्हां वालों दावा किया गया है कि जो भी जिम्मेवारियां उन्हां नूं मिलियां ने उन्हां वालों तनदेही दे नाल उन्हां नूं निभाया जाएगा। दस दिए कि पंजाब सरकार वालों बीते दिनी पंज विधायकां नूं कैबिनेट मंत्री दा अहुदा दिता गया है, जिन्हां दे विच फौजा सिंह सरारी नूं तीन विभाग सौंपे गए ने। फौजा सिंह सरारी दे कोल सैनिक भलाई विभाग, इस नाली फूड प्रोसैसिंग दा विभाग अते हॉर्टीकल्चर दा विभाग है। इस मौके ते अपने चार्ज नूं संभालन दे मौके ते उन्हां वल्लों सैनिकां नूं लैके वी एक गल आखी गई है कि पंजाब सरकार अग्निपथ स्कीम नूं रद्द करवाउण दी पूरी कोशिश करेगी। उन्हां वल्लों बागवानी नूं लैके वी वड्डा ऐलान इस मौके ते कीता गया है। उन्हां वल्लों आखिया गया कि 4-5 एकड़ दे विच बागवानी करन वाले किसानां दे लई कोल्ड स्टोरेज दी सहूलत पंजाब सरकार वल्लों मुहैया करवाई जावेगी अते इस नूं लैके सरकार दीआं स्कीमां नूं लागू कीता जावेगा। कैबिनेट मंत्री दा अहुदा संभालदे होए अपने परिवार दे नाल खुशी नूं सांझा करदे होए फौजा सिंह सरारी वल्लों इस मौके ते की कुछ दावा कीता गया है, आओ सुनांदे हां। मसले पंजाब दे अहम ने, ठीक है, पंजाब सरकार विच आपां हैगे, पर मैनूं कदे कदे इह अहसास वी हुंदा कि पहला साडा भारत ठीक हो जाए, फिर पंजाब ठीक हो जाए, फिर मेरा जिला फिरोजपुर, फिर मेरी तहसील गुरूसर, फिर मेरा पिंड पंजवी थां ते प्रायोरिटी मैं अपने देश नूं देना भारत। जो ठीक होवे तां उस तों बाद आपे सारा कुछ ठीक हो जाणा। कोशिश करांगे जिन्नियां कि जिम्मेवारी मिलियां तनदेही नाल निभावांगे। विभाग वाले आए हैं, कुछ जिस तरह का कोई कारोबार है, जिन्नियां ड्यूटीज़ बनदियां, कोई बागवानी बारे भी गलबात हुई है, बाकी विभागों में वारी वारी आ रहे हैं। तो अज का जिहड़ा दिन शुरुआत है इस तरह ही है, वधाइयां मुबारक खुशियां भरा माहौल है, सारे खुश ने, मैं भी खुश हूँ। हॉर्टीकल्चर समझते हो कि डिफेंस सर्विस आपके पास है, जो नया कानून लाई है देश में सरकार, पंजाब काफी डिफेंस में है, तो इसको किस तरह से आप लोगों को समझाएंगे? ये देखो पंजाब, हाँ पंजाब एक स्टेट सामने सर, सामने सामने जिथे इतों के फौज के सिख रेजिमेंट स्पेशल होगी, जिस तरह का कोई अग्निपथ वाली गल चली हो पंजाब विधानसभा के, तुहानूं पता सारिया ने कि विरोध मता भी पास किया। कदे भी जवान जदों फौज के नौकरी करता 10-15-20 साल तो उस तो बाद रिटायरमेंट मिलनी जरूरी, पर जो सिस्टम चलिया कि 4 साल नौकरी कर लो उस तो बाद भेज देंगे वापस, सबका फौजी भी नहीं कहा जाएगा, उन्होंने सहूलत भी नहीं मिलनगियां, तो वधिया नहीं है। कोशिश करांगे कि ये तब्दीली होवे। हाँ ये ठीक है कि एक बार जो मैं भी कदे सोचता हुंदा सी, मैनू पता सी कि जिहड़ी फौज की नौकरी है पूरी डिसिप्लिन वाली हुंदी है, जोखम भरी, जिम्मेवारियों का एहसास हुंदा, जदों कितें लड़ाई लगती है तो अपने पिछे परिवार को भुल के अपने देश प्रति समर्पित हो जाते हैं लोग, तो उन्होंने काफ़ी कुछ होना चाहिए। पर एक मेरा विचार सी काफ़ी पुराना, शायद मैं मोदी साहब के ट्वीट पर भी लिखा सी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी मास्टर डॉक्टर लगना चाहता है तो 5 साल पहला फौज की भर्ती करेगा। वो एक टर्म कंडीशन ये सी कि 5 साल तो बाद वो इन्ना एहसास करेगा कि वो कुता ही मैं विश्वास करदा इस विभाग के जो सैनिक भलाई वाले सैनिक तो रिटायर हो जाते, सैनिक भलाई च आ जाते, उस तो पहला सैनिक होंगे ने देश के रखवाले, तो उन्होंने लिए जिन्ना हर संभव कोशिश कर सकते करांगे, क्योंकि वो देश नूं बचाउंदे आ, बड़ी बाज अख रखते हैं, अपना भी बार जाते। उस तरह एक मिले अपन आजादी घलाटी वाला, आजादी घलाटी भी जे वो आजादी संघर्ष ना करते तो देश आजाद नहीं होना सी, अज मैं इस कुर्सी पर बैठे नहीं होना सी, ना ही तुसीं मेरी इंटरव्यू करनी सी। इस करके वो सम्मान दे योग ने, उन्होंने जिन्ना सम्मान दिता जाए मेरी निवेश होगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਧਰਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਏਰੀਏ ਬਾਗ ਬਹੁਤ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਰਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਾਗ ਪੱਟੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1-3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸਟੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 1 ਰੂਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਵੇਗੀ, 1.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।